नमस्ते सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों आप सबको मालूम है कि इस वक्त इंडियन ओशन रीजन में लगातार चाइना की घुसपैठ हो रही है। ऐसे में भारतीय नौसेना हालांकि उनका जवाब देने के लिए वहां पर खड़ी है, लेकिन चाइना की दोस्तों यहां पर एक बढ़ती हुई नौसेना का भविष्य में कैसे जवाब दिया जाएगा, ये एक टेंशन वाली बात है, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन में भारतीय नौसेना का दबदबा है। लेकिन अब यहां पर सवाल ये खड़ा होता है और आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि भारतीय नौसेना की आखिर प्रिपरेशन कैसी है, क्या तैयारियां हैं चाइना को ध्यान में रखते हुए। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय नौसेना ने भविष्य को देखते हुए 8 नई परियोजना शुरू करने का फैसला कर लिया है, और ये जो 8 नई परियोजना है उससे भारतीय नौसेना की न केवल क्षमता बढ़ेगी बल्कि इंडियन ओशन रीजन में अपना प्रभुत्व जो अभी तक कायम है उसे कायम रखने में मदद करेगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय नौसेना के जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें सबसे पहला नंबर आता है न्यू कैडेट ट्रेनिंग शिप का। दरअसल भारतीय नौसेना करीबन 3 कैडेट ट्रेनिंग शिप खरीदने वाली है जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म होंगे, और इनका इस्तेमाल जो भारतीय नौसेना के कैडेट्स हैं उनका कौशल बढ़ाने, उन्हें अनुभव देने, इसके अलावा जो उनका कौशल है उसे सुधारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इस लिस्ट में दूसरा नंबर आता है नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स। भारतीय नौसेना भारतीय शिपयार्ड से 6 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल जो वेसल्स हैं इन्हें खरीदेगी, और ये जो नेक्स्ट जनरेशन के ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स हैं इनका इस्तेमाल ऑफशोर एसेट्स की सुरक्षा, मैरिटाइम इंटरसेप्शन ऑपरेशन और बोर्ड सर्च एंड सीजर ऑपरेशंस, प्रेजेंस कम सर्विलांस मिशंस, माइन वॉरफेयर, इसके अलावा स्पेशल ऑपरेशन में इन नई ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा भारतीय नौसेना माइन काउंटर मेजर्स वेसल्स इन्हें भी अपने बेड़े में शामिल करने जा रही है। भारतीय नौसेना के पास 2019 से कोई भी एक एक्टिव माइन स्वीपर नहीं है, काफी चिंता की बात है दोस्तों। हालांकि शुरू में ही भारतीय नौसेना करीबन 4 माइन काउंटर मेजर्स वेसल्स को खरीदना चाहती थी, और ये जो माइन काउंटर मेजर्स वेसल्स हैं वो सभी तरीके के जो ग्राउंड और मोड माइंस हैं उनको लोकेट, क्लासिफाई और न्यूट्रलाइज कर सकता है। हालांकि ये जो 4 माइन काउंटर मेजर वेसल्स को भारतीय नौसेना खरीदने वाली है इसके साथ ही इनकी संख्या को 12 तक ले जाया जाएगा। इन माइन काउंटर मेजर वेसल्स को तैयार करेगा गोवा शिपयार्ड, वो भी स्थानीय रूप से, और इन MCMV का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 800 टन का होगा। इस लिस्ट में अगला नंबर आता है नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट्स का। भारतीय नौसेना अगली पीढ़ी के कम से कम 8 कॉर्वेट्स को भारतीय नौसेना में शामिल करेगी, और ये जो नेक्स्ट जनरेशन की कॉर्वेट्स होंगी वो खुकरी और कोरा श्रेणी की कॉर्वेट्स की जगह लेंगी। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि ये जो अगली पीढ़ी की कॉर्वेट्स होंगे उनका निर्माण भारतीय नौसेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, और इनमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इस लिस्ट में अगला नंबर आता है नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स का। आपको मैं बताना चाहूंगा भारत का कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड करीबन 6 नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स का निर्माण करेगा, और इनमें नई ब्रह्मोस एंटी शिप क्रूज मिसाइल लगी होंगी, और ये अगले 5 से 6 सालों में वितरित कर दी जाएगी। इस लिस्ट में अगला नंबर आता है फ्लीट सपोर्ट शिप का। दरअसल हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारतीय नौसेना के लिए 45,000 टन के फ्लीट सपोर्ट वेसल का निर्माण करेगा, और इस तरीके के जो सपोर्ट वेसल्स होते हैं इनमें ईंधन यानी कि फ्यूल, भोजन, गोला बारूद और स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति के साथ हर समय अपनी ऑपरेशनल रेडीनेस को तैयार रखेंगे, और ऐसा कहा जा रहा है कि फ्लीट सपोर्ट शिप 2024 में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। इस लिस्ट में अगला नंबर आता है लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक का। भारतीय नौसेना के पास अब 2 लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक खरीदने की योजना है जिनका इस्तेमाल MBPS संचालन या फिर किसी भी युद्ध मिशन के लिए किया जा सकता है। लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक जिन्हें कि हम LPDs कहते हैं, इनका इस्तेमाल युद्ध में भी और शांतिकाल में भी किया जा सकता है, यानी कि इनकी दोहरी भूमिका होती है, और इसके अलावा मानवीय सहायता और आपदा राहत में भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। दरअसल दोस्तों ये जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स होते हैं ये काफी खतरनाक होते हैं, ये दुश्मन के तट पर सैनिकों को तेजी से उतार सकते हैं और किसी भी कब्जे वाले द्वीप को वापस ले सकते हैं। इस लिस्ट में अगला नंबर आता है नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स का। दरअसल भारतीय नौसेना की योजना है कि वो करीबन 5 नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर को शामिल करेगी 2025 से, और इसके पहले चरण में 13,000 टन से अधिक के नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स होंगे, और दूसरे फेज में 5 और नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स खरीदे जाएंगे, वो भी इसी डिस्प्लेसमेंट के साथ होंगे। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जो नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स हैं वो जो मौजूदा भारतीय नौसेना के पास डिस्ट्रॉयर्स हैं उनसे आकार में लगभग 2 गुना होंगे, और इनमें अगली पीढ़ी के हथियार प्रणाली और प्रपल्सन टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी। अब बारी आती है P-75 यानी कि पनडुब्बियों की। भारतीय नौसेना अभी एक विदेशी OEM से यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर से अगली पीढ़ी की 6 और पनडुब्बियों को
तैयार करेगी, जिसे कि भारतीय शिपयार्ड में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाया जाएगा। दूसरा प्रोजेक्ट 75i एक अंतिम विदेशी पनडुब्बी प्रोग्राम होगा, जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा, जिसके बाद इसके डिजाइन के आधार पर भारत स्थानीय रूप से करीबन 12 कन्वेंशनल पनडुब्बियों को तैयार करेगा। हालांकि ये जो लिस्ट बनाई गई है भारतीय नौसेना की तरफ से, इनमें कई और चीजें ऐसी हैं जिनका भारतीय नौसेना ने खुलासा नहीं किया। इसमें मानव रहित ड्रोन्स भी हो सकते हैं, इसके अलावा भारतीय नौसेना का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी है, न्यूक्लियर सबमरीन्स भी हैं, तो ये चीजें बहुत सारी हैं। फिलहाल तो ये जानकारी आई कि भारतीय नौसेना ने अपने फ्यूचर स्वदेशी नेवल प्रोग्राम्स के बारे में घोषणा की है। वैसे आपको क्या लगता है कि भारतीय नौसेना को और क्या क्या चीजें शामिल करनी चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और खास बात यह कि ये सारी चीजें स्वदेशी यानी कि देश में ही तैयार होंगी। मिलता हूं नई जानकारी के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।